मॉर्निंग, माई सेल्फ नीरज कुमार, और आज आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर थॉमसन एटॉमिक मॉडल को लेके आए हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इसके ऊपर विस्तार से आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि जे.जे. थॉमसन वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, वो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन इन 1897 में। यही जे.जे. थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल दे रहे हैं, उन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये इनको मालूम था। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और कैसे इन्होंने खोज किया था इसको हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल का इसका खोज इन्होंने 1897 में कर लिया था। और साथ ही जिस समय ये अपना एटॉमिक मॉडल दे रहे थे, इनको इस बात की भी जानकारी थी कि पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होता है एटम के अंदर में। द पॉजिटिव चार्ज वाज डिस्कवर बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886 में ही पॉजिटिव चार्ज का खोज हो चुका था ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट के द्वारा। परंतु इसको हम प्रोटोन नहीं कहते थे उस समय, क्योंकि प्रोटोन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था बहुत बाद में आकर के। लेकिन इनका जो मॉडल था, जिसमें ये अपना मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय थॉमसन साहब को दो बात की जानकारी थी कि एटम के अंदर में दो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर मौजूद। तो इन दोनों पार्टिकल जो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर में, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे अरेंजमेंट है, इसी को ध्यान में रख के उसका अरेंजमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसको हम एटॉमिक मॉडल ऑफ द थॉमसन के नाम से जानते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जे.जे. थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव एन एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल वाज पब्लिश्ड इन 1904। थॉमसन साहब का जो एटॉमिक मॉडल था, ये एटॉमिक मॉडल के क्षेत्र में सबसे पहला एटॉमिक मॉडल माना गया, क्योंकि इसके पहले कोई साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल का अरेंजमेंट एटम के अंदर में कैसा है इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। सबसे पहला साइंटिस्ट है जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे अरेंज है इसके विषय में इन्होंने बताया। न्यूटन तो उस समय तक आया ही नहीं था, न्यूटन तो बहुत बाद में, लेटेस्ट खोज हुआ 1932 में। तो इनके पास दो ही पार्टिकल थे, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, और एटम के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसे है इसके ऊपर इन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया, अपने ही नाम से दे दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या बात कही गई है ध्यान से आप देखिएगा। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देखिए सबसे पहले आप इनका एटम का देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ये स्ट्रक्चर है। इन्होंने क्या कहा इस मॉडल के विषय में, इन्होंने कहा कि मेरा जो एटॉमिक मॉडल है वह एक स्फेरिकल शेप का है, एक गोल बॉल की तरह है, जैसा कि फुटबॉल है या घर में बच्चों का खेलने वाला बॉल होता है उस टाइप का एक बॉल है। और इस बॉल के अंदर में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन था, वो क्या है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जैसे तैसे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे तैसे रखा हुआ है, कोई रखने का तरीका नहीं है, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है कहीं भी निगेटिव चार्ज है, यानी रेंडमली है इस बॉल के अंदर में। और साथ ही दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज है ये रेंडमली तो है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, और इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कैंसिल है टोटल निगेटिव चार्ज से, यानी काउंटर बैलेंस हो जाता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस तरह से इनका एटम टोटली न्यूट्रल था इलेक्ट्रिकली दृष्टि से। इन्होंने कहा कि मेरा जो एटम है, एटॉमिक मॉडल है जिसमें एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह एटम इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रिक की दृष्टि से पूरा न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, यही बात कहा था इन्होंने। तो देखिए, पहला पॉइंट वही जो आपको बताया, वही दो पॉइंट हमने लिख दिया है। पहला पॉइंट क्या है, एन एटम इज द स्फेरिकल शेप। एटम कैसा है, स्फेरिकल शेप होता है, बॉल टाइप का होता है, फुटबॉल समझ लीजिए, जो बच्चों को खेलने का फुटबॉल होता है उस टाइप का है, स्फेरिकल शेप है। वेयर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन रैंडमली, कहा कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, तो रैंडमली प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट भी इन्होंने कहा, द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा क्या, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दैट वे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दो इलेक्ट्रिकली क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज आपस में बराबर हो जा रहा है एटम के अंदर में, और एटम के ऊपर में कोई चार्ज नहीं आता है, यानी पूरा एटम देखा जाए तो इनका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था।
तीसरा पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, इनसे जब पूछा गया कि इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल बताइए, तो इन्होंने एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के रूप में दो टर्म बताया। इन्होंने कहा कि जो मेरा एटम है एज लाइक ए वाटरमेलन की तरह है, वाटरमेलन जैसा कि तरबूज जो हम लोग घरों में खाते हैं, बोला उसी टाइप का एटम है, उसमें जो लाल पार्ट है खाने वाला उसको आप मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो सीड्स मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन है, और सीड इस तरह से आपका इंटर है पूरे वाटरमेलन के अंदर कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज आपस में काउंटर बैलेंस हो जाता है। एक एग्जाम्पल इन्होंने और दिया, इन्होंने कहा क्योंकि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि मेरा जो एटम है एज लाइक ए प्लम पुडिंग की तरह है। प्लम पुडिंग किसको कहते हैं, एक प्रकार का केक होता है जो इंग्लैंड में यूज होता है बर्थडे पार्टी के रूप में या क्रिसमस पार्टी के रूप में, गोल राउंड का केक होता है, उसके अंदर क्या होता है ड्राई फ्रूट इंटर रहते हैं जगह जगह, जैसे तरबूज के अंदर सीड्स इंटर किए रहते हैं उसी तरह ड्राई फ्रूट इंटर रहते हैं, तो ड्राई फ्रूट को उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, और जो खाने वाला ब्रेड वाला पार्ट है मक्खन वाला ब्रेड पार्ट उसको उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों इस तरह से इंटर है कि मक्खन खाने वाला जो ब्रेड वाला पार्ट है और जो ड्राई फ्रूट है वो दोनों आपस में काउंटर बैलेंस हो जाता है। तो यही पार्ट उन्होंने थर्ड पार्ट में कहा, ध्यान से देखिएगा, द एटम इज एज लाइक वाटरमेलन, उन्होंने कहा एटम कैसा है तो वाटरमेलन कैसा है, और एज लाइक प्लम पुडिंग कैसा है या फिर प्लम पुडिंग के जैसा है, या तो वाटरमेलन के जैसा है या प्लम पुडिंग के जैसा है, यानी उन्होंने दो एग्जांपल दिया, उनका एटॉमिक मॉडल प्लम पुडिंग के जैसा भी है और वाटरमेलन के जैसा भी है। प्लम पुडिंग किसको कहते हैं, देखिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, बर्थडे पार्टी केक है, एक प्रकार का बर्थडे पार्टी केक है, क्रिसमस पार्टी केक है, जो इंग्लैंड में यूज होता था खाने के रूप में, आज भी यूज होता है, उस समय भी यूज होता था। फिर उन्होंने इसी वाटरमेलन को एक्सपर्ट किया कि वाटरमेलन के अंदर किस तरह से हमारा पूरा पार्ट अरेंजमेंट है, तो इन्होंने कहा कि एटम इज एज लाइक वाटरमेलन, अगर मेरा एटम वाटरमेलन के जैसा है देन इलेक्ट्रॉन्स आर सीड्स, उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन कैसा है सीड्स है, जो काला वाला चीज होता है तरबूज के अंदर उसको सीड्स कहते हैं, वो किसका है, वो सीड्स है, यानी सीड जो है वो इलेक्ट्रॉन है विच इज इम्बेडेड इन इट, का वाटरमेलन में वो क्या है इम्बेडेड है, चाहे तरबूज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सीड का काम कर रहा है और जो लाल खाने वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और दोनों आपस में काउंटर बैलेंस है। और फिर उन्होंने दूसरे पॉइंट जो प्लम पुडिंग है उसको उन्होंने स्पष्ट किया, कहा कि इफ एटम इज एज लाइक प्लम पुडिंग, अगर मेरा एटम प्लम पुडिंग के जैसा है दैन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रॉन को क्या माना उन्होंने ड्राई फ्रूट की तरह माना, विच इज इम्बेडेड इन इट, यानी केक के अंदर जो बर्थडे पार्टी केक था प्लम पुडिंग उसमें इलेक्ट्रॉन का काम ड्राई फ्रूट कर रहा है और खाने वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है, और दोनों क्या है इस तरह से अरेंजमेंट है उसके अंदर में कि पूरा का पूरा जो चार्ज है एटम का वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ये दो बात उन्होंने कहा, यानी एटम के विषय में तीन बात याद रखना है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में, कि पहला कि जो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली है, इस तरह से है कि टोटल एटम पर चार्ज क्या आ जाता है जीरो, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और तीसरा बात उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मेरा एटम वाटरमेलन के जैसा है या प्लम पुडिंग के जैसा है। यही कारण है कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को देखिए यहाँ ध्यान से नोट में हमने लिख दिया है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, यानी थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किस नाम से जाना जाता है, वाटरमेलन के नाम से भी जाना जाता है और प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, देखिए ड्रॉबैक्स के विषय में उन्होंने क्या कहा, पहला लाइन यही है कि दिस एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट नॉट इन द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। देखिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला जो डिमेरिट निकल के आया वो यही आया, जो इन्होंने थ्योरी बताया वो पूरा का पूरा क्या था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित था, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि यह जो आप बता रहे हो कि एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रैंडमली है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे कि टोटल एटम न्यूट्रल हो जाता है, इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस दीजिए, कैसे आपने इसको देखा कि एटम रैंडमली है, तो इन्होंने बोला हमने देखा नहीं है, सिर्फ मैंने एक अपने तजुर्बा से आपको बात कर रहा हूँ, यानी इनका पूरा का एटॉमिक मॉडल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित था, इसका कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस इन्होंने नहीं दिया था। पहला ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था इनका। दूसरा जो था, दिस एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट,
जब इनसे पूछा गया कि अगर सब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कोई एलिमेंट खूब फास्ट रिएक्शन करता है, कोई एलिमेंट बहुत स्लो रिएक्शन करता है, और कुछ एलिमेंट जो कि जैसे इनर्ट गैसेस है हीलियम आर्गन वाले, वो रिएक्ट ही नहीं करते, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा बिहेवियर एलिमेंट कैसे दिखाता है? तो उन्होंने बोला इसके विषय में उनको कोई आइडिया नहीं है। चलिए, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि एलिमेंट का बिहेवियर कैसे तय किया जाए। तो ये भी इनका ड्रॉबैक्स था कि एलिमेंट का बिहेवियर इनका एटॉमिक मॉडल स्पष्ट नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और तीसरा डिमेरिट ये था कि दिस मॉडल वाज नॉट एबल टू सपोर्ट द फर्दर एक्सपेरिमेंट। इनका जो एटॉमिक मॉडल था, जो इसके बाद रिसर्च हुआ, जैसे रदरफोर्ड आए, नील्स बोर आए, जो भी एटॉमिक मॉडल के, उस मॉडल से कहीं भी इनका एटॉमिक मॉडल लिंक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि पूरे एटम में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली है और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, यानी पूरे एटम में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बिखरा पड़ा है, एक बॉल के अंदर पूरे के पूरे में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बिखरा पड़ा है। जबकि रदरफोर्ड आया तो इन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एटम का 99% हिस्सा क्या है, वैक्यूम है, बहुत सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है जो मास रखता है, जो एकदम क्लाउड है, बाकी पूरा एटम खाली है। तो इस तरह से इनका एटॉमिक मॉडल जो आउटर थ्योरी आया अदर साइंटिस्टों का बाद में थॉमसन के बाद, उस मॉडल को इनका एटॉमिक मॉडल सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये इनके मॉडल का तीन ड्रॉबैक्स निकाला गया। ये था एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला कंसेप्ट जो थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था। अब हम अगले क्लास में इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर चर्चा करेंगे। इस मॉडल को यही नाम से जाना जाता है। इसके पॉइंटों को एक बार फिर से आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर दिया एटॉमिक मॉडल के ऊपर में। ठीक है, तो जय हिंद, जय